हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, दो अलग टाइटल, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम। दीज आर स्पिनेच लीव्स, कोई भी बता सकता है ये। और एक मॉर्टर एंड पेसल हम लोगों ने लिया है, बराबर। स्पिनेच लीव्स लिए, मॉर्टर एंड पेसल लिया, साथ में मैं लेने वाला हूँ एसीटोन, या फिर उसके साथ हम लोग ले सकते हैं पेट्रोलियम ईथर। और इसके साथ एक चीज़ और ली जाएगी अगर लगती है तो, मैं कुछ लिस्ट बढ़ा रहा हूँ। मिथिल अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल है यानी इथेनॉल है, एट्सेट्रा। अब ये सब क्या है? तो दीज आर नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिसे मैं एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ यानी क्लोरोफिल एंड कैरोटीन्स, बराबर, या फिर जिसे मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलता हूँ, उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए मैं इन मटेरियल्स को यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली, और इसलिए हम लोग इस मटेरियल को यूज करने वाले हैं। मैंने स्पिनेच लीव्स को इस मॉर्टर एंड पेसल में ऐड किया, थोड़ा से सैंड पार्टिकल्स डाले, उसे क्रश किया, और फिर ये मुझे मिलेगा कि एक बीकर के अंदर मैं ये सारा क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट जो है वो अब निकाल के रख दूंगा। ये क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते वक्त वॉटमन्स फिल्टर पेपर नंबर 1 इसे यूज करने वाला हूं, बराबर। किस चीज के लिए? तो मैं यहां क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस करना चाहता हूं कि किस टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमें मिलते हैं। वर्ड क्रोमैटोग्राफी में दो वर्ड्स आते हैं, एक है क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफी, ये ग्राफीन को रेफर करता है, और ग्राफीन का मतलब है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स बाय आइडेंटिफाइंग देयर कलर्स इज क्रोमैटोग्राफी। यहाँ हम लोग पेपर यूज कर रहे हैं इसलिए इसका नाम हो गया पेपर क्रोमैटोग्राफी। और पिगमेंट्स पेपर पे आगे चढ़कर सेपरेट होने वाली है इसलिए मेरे टेक्निक का नाम हो जाएगा असेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी। एक ग्लास जार लिया गया, एक रबर कॉर्क लिया जिसमें हुक है, और एक वॉटमन फिल्टर पेपर के ऊपर मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ड्रॉप जो है वो डालना शुरू किया और उन्हें सूखने दिया। ग्रीन कलर का एक डार्क ड्रॉप जो है वो यहाँ इस तरीके से बना हुआ है एग्जैक्ट सेंटर में, बराबर। और ये सारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है अब वो यहाँ हम लोगों को मिलेगी। नीचे मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है, पेट्रोलियम ईथर और एसीटोन, इनका मिक्सचर लिया जाता है, और उसे अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर सेपरेशन, बराबर। अब मैं ये यहाँ जब डाल देता हूँ तो धीरे धीरे ये सॉल्वेंट जो है वो ऊपर चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ते जाता है, और धीरे धीरे एक एक पिगमेंट को वो सेपरेट करता है, बराबर। नीचे हमें ग्रीन कलर का बैंड दिख रहा है, दैट इज क्लोरोफिल बी, उसके ऊपर है क्लोरोफिल ए, उसके बाद में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। इस तरीके से इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का सेपरेशन हुआ। अब सवाल ये आता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किसे बोलना चाहिए? तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स दैट हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, इनसाइड द क्वांटोसोम्स। हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी, इनमें दो मेन टाइप्स की पिगमेंट्स मुझे मिलती है जिन्हें मैं क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन्स बोलता हूँ, बराबर। क्लोरोफिल कैसे है? क्लोरोफिल क्या है? तो दीज आर ग्रीन कलर, बराबर, दीज आर ग्रीन कलर्ड कंपाउंड्स और पिगमेंट्स विच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन रेड एंड ब्लू एज वेल एज द वायलेट रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम।
दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एंड दे आर सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोलियम ईथर एसीटोन एंड अल्कोहल एट्सेट्रा। बराबर। अब जब मैं क्लोरोफिल ए के बारे में बात करता हूँ तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मुझे याद रखना चाहिए। C55, क्लोरोफिल ए पे भी हम लोग आएंगे बट अभी यहाँ लिख देते हैं C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। आगे चल के स्ट्रक्चर और ये सब यहाँ आने वाला है। बराबर। क्लोरोफिल ए की हम लोग अभी बात कर रहे थे। ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट है, मॉलिक्यूलर वेट है 893 और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था C55H72O5N4Mg। बराबर। इसका काम क्या है? तो दिस इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल पिगमेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, बेसिकली पहले बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज नथिंग बट द ATP। इसे हम लोग यूनिवर्सल पिगमेंट ऐसा बोलते हैं या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। वो रिएक्शन सेंटर है, एसेंशियल पिगमेंट है, मास्टर मॉलिक्यूल है। बराबर। हम लोगों को बैक्टीरिया छोड़ के सब में क्लोरोफिल ए मिलेगा। फिर बैक्टीरिया में क्या मिलता है? बैक्टीरिया में मुझे मिलता है बैक्टेरियो क्लोरोफिल, जिसे हम लोग क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। और ये एक्टिव होता है कब? तो दो फॉर्म्स पे, क्लोरोफिल ए 680 और क्लोरोफिल ए 700। जब मैं क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर को डिटेल में रिवील करता हूं तो व्हाट आई फाइंड, यहां इसके दो पार्ट्स मिलते हैं। एक जो है उसे मैं बोल रहा हूं हेड। बराबर। और दूसरा ये जो सारा पार्ट है इसे मैं बोलता हूं टेल। इट अपियर्स लाइक अ काइट और समटाइम्स इट अपियर्स लाइक अ टैडपोल। इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके अब दो पार्ट्स की बात कर रहे थे हम लोग, ये हेड है। हेड कैसा है? तो इट इज मेड अप ऑफ टेट्रापायरोल रिंग्स, चार पायरोल रिंग्स इसमें हमें मिलती है, जिसके बिल्कुल सेंटर में नॉन आयनिक फॉर्म में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ये चार रिंग्स हो गई। बराबर। और उसके साथ अटैच्ड है फाइटोल टेल। क्लोरोफिल ए का जो रिएक्टिव ग्रुप है वो CH3 है, जबकि क्लोरोफिल बी में वो CHO होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर क्लोरोफिल ए से ये सेंट्रल मैग्नीशियम आयन निकल जाए, इफ मैग्नीशियम इज रिमूव्ड, बराबर, तो ये क्लोरोफिल ए जो है इट बिकम्स कलरलेस। और कलरलेस क्लोरोफिल को हम लोग टर्म देते हैं फियोफाइटीन। बराबर। हमारा जो दूसरा पर्टिकुलर टाइप का पिगमेंट है इट इज क्लोरोफिल बी, येलो ग्रीन पिगमेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है 900 901 है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इट इज C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल बी हमें कहां मिलेगा? ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अल्गी एंड बैक्टीरिया, वहां नहीं मिलता। बराबर। क्लोरोफिल बी हमें रेड अल्गी और ब्राउन अल्गी में भी नहीं मिलता, ये बात ध्यान में रखिए। नॉन एसेंशियल पिगमेंट है, ट्रांसफर करती है एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल बी जो है इट डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए, ये बात याद रहे। क्लोरोफिल ए में मुझे अल्डिहाइड ग्रुप मिला था, यहाँ मिथिल ग्रुप मिल रहा है। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए रहे या बी रहे, उसके साथ एक चीज मुझे और मिल रही है एंड दैट इज नथिंग बट द कैरोटीनॉइड्स। येलो टू रेड कलर कंपाउंड्स है कैरोटीनॉइड्स। बराबर। पिगमेंट्स है, एब्जॉर्ब करती है लाइट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लू ग्रीन रीजन्स मेनली, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑल्सो, लोअर एज वेल एज हायर प्लांट्स में मिलती है। बराबर। ये एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि कैरोटीनॉइड्स जो है वो दो टाइप के हैं। एक ऑरेंज कलर पिगमेंट है जो कि कैरोटीन है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से,
और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40H56, यानी हाइड्रोकार्बन्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। नॉन एसेंशियल पिगमेंट है, बराबर, अपने एनर्जी को ट्रांसफर करती है क्लोरोफिल ए को। बट ये वही कैरोटीन्स है जो नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, अदरवाइज वो ब्लीचिंग करेगा क्लोरोफिल का और फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। ज़ैंथोफिल ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का पिगमेंट है, येलो कलर्ड है। ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स यानी ज़ैंथोफिल, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40H56O2। ये भी नॉन एसेंशियल पिगमेंट है और लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करती है टू क्लोरोफिल ए, बराबर। रोल क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का सबसे पहला रोल है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एट वेरियस वेवलेंथ और इन डिफरेंट वेवलेंथ रीजन्स। सेकंड काम होता है उनका ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी। नॉन एसेंशियल पिगमेंट जो होती है या एंटेनल पिगमेंट जो है, जिन्हें आगे चल के हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलने वाले, जिसमें कौन कौन है बेटा, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है, बराबर। ये सबके सब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स हैं और वो सारी अपनी एनर्जी जो है, एब्जॉर्ब एनर्जी, वो ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए बाय रेजोनेंस। बेसिकली इसको बोला जाता है ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ऐसा हम लोग उसको बोलेंगे। तीसरा इनका काम होता है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बट बेसिकली मैंने जब ही ये बोला था कि केमिकल एनर्जी है नो डाउट, बट प्राइमरीली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये काम क्लोरोफिल ही करता है, बराबर। फोटो एक्साइटेशन, आयनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है क्लोरोफिल ए की आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, तो वो क्लोरोफिल ए हायर ऑर्बिटल लेवल पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और वो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है, बराबर। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर है, वो वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग करवाता है और ऑक्सीजन का रिलीज करवाता है। सिंथेसिस ऑफ NADPH2 भी इसी में होता है। बट इन सब का मिलकर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि प्रिवेंशन ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। एसेसरी पिगमेंट जो होती है, स्पेशली कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल, ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग लाइट कंडीशन में। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फोटो ऑक्सीडेशन, जो शील्ड पिगमेंट करके काम कर रही है। सोलराइजेशन, ऐसा भी इसे टर्म दिया जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट की एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट होती है, जब हाई लाइट होता है ना तब वो मार्जिन पे चले जाते हैं, इसको पैरास्ट्रॉफ बोलते हैं। जब लो लाइट होता है तो वो ऊपर के लाइन में लग जाते हैं ऐसे, जिसे हमने बोला है एपिस्ट्रॉफ। और जब मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी हो तो दे आर स्कैटर्ड इन द सेल, एपोस्ट्रॉफ ऐसे उसे बोला जाएगा। ये 4 मार्क का MCQ बनता है यहाँ। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, बराबर, उनका रोल। अब ये कितने क्वेश्चंस डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा, दैट आई डोंट नो एक्चुअली, बट ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम का है। कुछ ज़ैंथोफिल भी होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करते तो ल्यूटीन है, नियोजेंथीन है, वायोला जेंथीन, जिया जेंथीन। जिया जेंथीन की अगर हम लोग बात करें तो जिया जेंथीन मुझे मिलता है मेज में, बराबर। वायोला जेंथीन की अगर बात करते हैं हम लोग तो वो प्लांट में मिलेगा, वायोला इंडिका, या सिंपली वायोला बोलो, वायोला स्पीशीज आ जाती है, बराबर। इसके साथ ल्यूटीन भी मिलता है, वो मुझे टोमेटो में मिलेगा। और जो खास कैरोटीन जो आप लोग जानते हो सब लोग, वो कौन सा है? बीटा कैरोटीन, गाजर में होता है, कैरेट में, बराबर। ये सारे इनके एग्जाम्पल्स थे। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, बट हमारा अगला टॉपिक रहेगा रोल ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद में एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ CO2, बराबर। थैंक यू वेरी मच।
फॉर योर सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.